आज हम बनाएंगे हेल्दी चाट। किसके लिए हमें चाहिए? आधा कप राजमा, आधा कप काले चने, आधा कप रोंगी, आधा कप सफ़ेद चने, जिसको हमने रात में भिगो के रखा था और सुबह एक सीटी दिला दी जिससे अच्छी तरह से गल गए। उसके लिए हमें एक कटा प्याज, एक कटी तर, हरी मिर्च, एक कटा टमाटर, केला, नमकीन, नमक, ये नींबू का रस। अब हम बनाएंगे चाट। अगर और भी कोई फ्रूट है आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसके हमने अपने सारा मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए केले, कटे हुए टमाटर, जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे आप, और ये हेल्दी भी होते हैं। जिस तरह बच्चे रोटी खाना पसंद नहीं करते तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी है। ये में पौष्टिक भी है, ताकत भी आती है। ये हमने हरी धनिया की चटनी भी डाली है, ये नमकीन सेवियाँ भी डाल दी जिससे स्वाद और भी बढ़ जाएगा। ये नींबू का रस है, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। ये हमने थोड़ा सा नमक डाला है, ज़्यादा तेज हो जाता है इस करके। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अगर सूखा पुदीना है तो वह भी आप डाल सकते हैं, उससे और भी स्वाद बढ़ जाएगा और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर कोई और फ्रूट है तो वह भी पा सकते हैं, जिससे स्वाद उसका और बढ़ जाएगा। ये देखिए, अभी ये आपके सामने 2 मिनटों में तैयार हो गई है। इसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है और पसंद भी बहुत आती है बच्चों को। यह आप बच्चों को बना के खिलाएं और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। हमें बताएं कि किस तरह की चाट बन गई।